हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे आप सभी, आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज है ट्यूसडे, मौसम हो रहा है बाहर एकदम गर्म, तो अभी मुझे नहाना भी है। पूरी बॉडी ऐसी हो रही है, देखो दोस्तों, चिपचिपी एकदम। इतनी गर्मी में सच बता रहा हूँ दोस्तों, इतना पसीना आता है बॉडी में कि क्या बताए। और अभी मैं कर रहा हूँ ब्लॉग एडिट। अभी मैंने जैसे ब्लॉग एडिट के लिए यूट्यूब खोला तो मैंने देखा कि वीडियो सेव नहीं है, तो मैंने ऐप खोला जल्दी से, उससे वीडियो सेव करी। अभी इसका कुछ बढ़िया सा दिखता है टाइटल। और अभी देखो दोस्तों, बाल भी ऐसे हो रहे, खाना भी नहीं खाया, नहाया भी नहीं है कुछ भी। अभी पीछे लैपटॉप है मेरे, लैपटॉप पे मैंने इसे स्टैंड बना के खड़ा कर रखा है, क्योंकि अभी अभी मैं लैपटॉप में वीडियोस देख रहा था, हाउ टू ब्लॉग एडिट, ऐसे ऐसे थोड़ा मैं अपने ब्लॉग को थोड़ा सुधारना चाहता हूँ। दोस्तों आप भी बताओ, आपको क्या चाहिए हमारे ब्लॉग में, क्या चीज़ मेरी कमी है एडिटिंग में, हर चीज़ में। तो सबसे पहले तो यार ब्लॉग एडिट करते हैं। तो जो ये ब्लॉग बन रहा है, ये आपको आएगा 2021 को और आज है 19 तारीख। तो ये वाला ब्लॉग जो मैं डाल रहा हूँ, ये 19 तारीख को आएगा। ये आप जब तक ये वाला ब्लॉग आएगा जो बन रहा है, तब तक आप ये वाला ब्लॉग देख चुके होंगे। और दोस्तों मैं देख रहा हूँ, जो नॉन सब्सक्राइबर लोग हैं वो 80% है, और जो सब्सक्राइबर लोग हैं वो 20% है। तो दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल, तो दोस्तों ऐसा थोड़ी चलेगा, सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, हमें भी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बस, और अभी मुझे नहाने भी जाना, खाना भी खाना है, ट्यूशन भी है, बहुत काम है आज मुझे, और आज पेट्रोल भी डलवाना है स्कूटी में। तो आज जल्दी निकलना पड़ेगा स्कूटी से, क्योंकि इतनी गर्मी में भाई बहुत लंबी लाइन रहती है, तो गर्मी में पूरा बॉडी ऐसी हो जाती है, ट्यूशन जाते जाते पसीना पसीना हो जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं नहाने, फिर मिलते हैं नहाने के बाद, खाना खाएंगे और दिखाएंगे आपको आज का हमारा दिन चल रहा है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं नहा चुका हूँ, कपड़े वपड़े भी पहन लिए, तो मुझे लग रही थी बहुत तेज भूख, क्योंकि दिन के बज चुके थे 11:30। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था, तो नाश्ते में था पास्ता, अभी से खाते हैं आराम से मीनू के साथ, क्योंकि मैं तो मीनू के साथ ही खाता हूँ पास्ता आराम से डिप करके, तो अच्छा लगता है मुझे बहुत ज़्यादा। तो मुझे लग रही है बहुत तेज भूख, इसको रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि ठंडा भी होने वाला है। मैंने अभी भी गर्म किया, क्योंकि मम्मी ने सुबह से बना के रखा था, खुशी को भी लंच में यही भेजा, तो सोचो दोस्तों सुबह से बना के रखा था, मैं लेट उठा, उसमें मेरी गलती है, मम्मी पापा सबने तो सुबह ही खा लिया था, बट मेरे को क्या, मैं बिना नहाए कभी खाना नहीं खाता, मतलब बहुत कम होता है कि कभी खा लूँ, तो इसलिए अभी इसको गर्म किया वापसी मैंने, तो अभी ठंडा ना हो जाए, और ही गाना तो खत्म हो गया, मैंने इसके ऊपर से डालता मस्त बनाता एकदम दोस्तों। तो कोई नहीं दोस्तों, आज ट्यूशन भी है, जल्दी भी निकलना, हमेशा बोलता हूँ जल्दी लेकिन लेट हो जाता हूँ, लेकिन आज जल्दी निकलूँगा कुछ भी करके। तो अभी जल्दी से खाते हैं, टाइम 1-1.5 घंटा, मुझे होमवर्क भी करना है ट्यूशन का, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी थी, मैंने उसमें होमवर्क किया नहीं, तो अब करना पड़ेगा दोस्तों संडे मंडे, क्योंकि TTS चलती है मेरी क्लास ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, तो अभी होमवर्क भी करना है उसका। तो चलिए चलते हैं, खाते ऐसे फिर मिलेंगे ट्यूशन जाते वक्त। तो दोस्तों फाइनल हो चुके ट्यूशन जाने के लिए रेडी, बाल थोड़े बस सेट करने, फिर जा रहे हैं ट्यूशन, फिर ट्यूशन से ब्लॉग तो बन नहीं पाएगा क्योंकि फ्रंट कैमरा ख़राब है, और जाते ही आज वैसे भी लेट हो गए दोस्तों, हर बार की तरह लेट ही हो जाता हूँ, 2:30 तो यही बज गए, पेट्रोल पम्प जाते जाते 2:45-3 बज जाएंगे ट्यूशन जाते जाते, फिर पहुँचेंगे ट्यूशन, तो ट्यूशन का तो ब्लॉग शूट नहीं करवाऊंगा, तो जब ट्यूशन से आएंगे फिर वरुण के फ़ोन से ब्लॉग शूट करेंगे और दिखाएंगे आप सभी को। तो चलिए चलते हैं ट्यूशन, कॉपी वॉपी ढूंढते, चाय वगैरह रख लिया स्कूटी की, तो चलिए चलते हैं ट्यूशन, फिर दिखाएंगे ट्यूशन से आने के बाद। तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका ट्यूशन से पढ़ के, ये नहीं मेरी ट्यूशन की कॉपी, अभी मैं बैठा हुआ वरुण के घर, वरुण ने मस्त ऐसी चला रखा, एकदम ठंडा, और वरुण भाई हमारे पढ़ रहे हैं। वरुण भाई क्या हाल है, इधर तो देखो। हाँ भाई बढ़िया, तू बता तेरे क्या हाल है। बढ़िया भाई, क्या पढ़ रहे हो। बस भाई अकाउंट की प्रैक्टिस चल रही है। तो ये क्या कोक रख रखी है तुमने, तो बगल में यार खत्म कर दी, थोड़ा लेट हो गया तुम, और क्या इतनी बची इतनी पी ले, इतने में हो जाएगा। अरे नहीं भाई तुम पियो, तुमने अपने एनर्जी रख रखी है, तुम्हें एनर्जी ड्रिंक और आ जाएगी, क्यों परेशान है। क्या पढ़ रहे हो तो बता दो। वही कैश फ्लो स्टेटमेंट की प्रैक्टिस कर रहा था यार। अच्छा, तो दोस्तों ये तो कैश फ्लो पढ़ रहा है, मेरे ट्यूशन में आजकल रिटायरमेंट चल रहा है, अगर आप भी 12th क्लास में हो तो आपको ही पता होगा ये चैप्टर्स, और आजकल हमारे पेपर थोड़े डिले हो गए बोर्ड्स के, क्योंकि कोरोना के चक्कर में। तो वरुण भाई कैसा लग रहा है आपको। भाई अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है, क्या करें, साथ नहीं जा पाएंगे एक पेपर में। तो दोस्तों इसके पेपर है 2 तारीख से स्टार्ट नेक्स्ट मंथ से, और मेरे 13 से, क्योंकि मैंने मैथ ली है, इनने मैथ नहीं ली, तो इनके पहले स्टार्ट है। सबसे पहला पेपर इनका हिंदी का, वो मेरी है नहीं, और ख़त्म भी इनके पहले है, क्योंकि मेरा लास्ट पेपर है मैथ का, इसके पास मैथ नहीं है। तो वरुण भाई कैसा लगेगा, फिर पहले पेपर में भी साथ नहीं जाएंगे और आखिरी पेपर में भी साथ नहीं जाएंगे हम। अच्छा भी बुरा भी दोनों। एडमिट कार्ड ले लिया। नहीं अभी नहीं लिया, कल परसों में लेगा। तो दोस्तों मैंने तो एडमिट कार्ड ले लिया, आपने ब्लॉग में देख ही लिया होगा, तूने देखा वाला ब्लॉग। हाँ देख लिया, अच्छा था। तो दोस्तों वरुण भाई को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वरुण भाई को पढ़ने देते, मैं भी थोड़ी देर फोन वोन चला लेता हूँ, देखता हूँ कितने व्यूज़ आए उस वाले ब्लॉग में, कितने नहीं। तो अभी थोड़ी देर पढ़ते हैं, वरुण भाई को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वरुण, कितना टाइम और लगेगा पढ़ने में। बस 2-3 क्वेश्चन और करता हूँ, पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों 2-3 क्वेश्चन करते हैं, वरुण भाई को भी करने देते हैं, मतलब मैं भी थोड़ा बहुत होमवर्क वमवर्क कर लेता हूँ, आज का होमवर्क मेरा ज़्यादा नहीं हो पाया था, बट फिर भी सर ने कुछ नहीं कहा, तो मैं थोड़ी देर फोन वोन चलाता हूँ, वरुण भाई को भी पढ़ने देते हैं, फिर मिलेंगे वरुण भाई के पढ़ने के बाद। तो दोस्तों फाइनली वरुण भाई ने पढ़ लिया, धूप इतनी तेज़ हो रही है, आ चुके हैं बाहर। वरुण भाई पीछे हमारे, क्या हो गया भाई, कैसे सुस्त सुस्त से लग रहे हो।
बड़ी गर्मी लग रही है और एकदम लपटे लपटे सी लग रही है ऊपर यार धूप। वाह भाई बहुत तेज लग रही है धूप। तुझे पता आज क्या हुआ? ट्यूशन आ रहा था ना, मैं तो स्कूटी पर पेट्रोल डलवा रहा था, स्कैम कर रहे थे मेरे साथ, लेकिन मैं बच गया। मैंने उससे 140 का स्कैम कर ही नहीं सकता भाई, नाम तेरा नहीं गया यार। वो बात तो है। अब मैंने बोला भाई 140 का डालो, तो उनने 104 का डाला। उसको लगा मैं मीटर नहीं देखूंगा, सीधा निकल जाऊंगा। मैंने बोला भैया क्या हो गया? कह रहा हो गया। मैंने बोला भैया 104 को है। कह रहा सॉरी मैंने 104 पे सेट कर दिया, मुझे लगा आप 104। मैंने भाई 104 का तो कोई हिसाब ही नहीं है, या तो 110 बोलता है तो 100 बोलता है। मैंने बोला 140 बोला है, फिर 36 रुपये का और डाला। अच्छा उसको लगा मैंने मीटर नहीं देखा, मैं सीधा निकल जाऊंगा। हाँ अबे ये पेट्रोल पंप वाले बहुत स्कैम करते हैं। देखो उधर सांड गुस्सा हो गया। तो दोस्तों अब चल रहे कुछ खाने, ठंडा ठंडा गोला खाते हैं यार, बहुत दिनों से खाया नहीं मैंने गोला। हाँ यार धूप हो रही है और मज़ा आएगा खाने। धूप इतनी तेज लग रही है दोस्तों, यहाँ पे सीधा गरम गरम लपटे लग रही है धूप की। प्लस अभी हम रूम में से आए हैं इसी वाले। हाँ ऐसा होता है दोस्तों कि मतलब ठंडा ठंडा रूम से आते हैं, फिर बाहर आओ एकदम से तो एकदम भपका लगता है गर्मी का। तो दोस्तों आ चुके हैं गोला खाने। हैं भाई वरुण अंकल ही नहीं है दोस्तों, देखो ठेली खा ली है पूरी। मन कर रहा खुद ही किसके खा लूँ दोस्तों, पता नहीं अंकल कहाँ चलेगा। आवाज़ लगी वरुण अंकल, अंकल लग रहा सेटिंग, अंकल सेटिंग से मन लगाए अपने दोस्तों। अंकल पता नहीं कहाँ चलेगा ठेली छोड़ के अपनी। अंकल ऐसे अगर आप वीडियो देख रहे हो ऐसे ठेली छोड़ के मत जाया करो दोस्तों। अंकल का इंतजार कर रहा है, पता नहीं कब आएंगे, जब आएंगे तब दिखाएंगे। तो दोस्तों ये देखो वरुण जा रहा है उधर ढूंढने, अंकल पता करने जा रहा है। क्या हुआ वरुण, कोई आता पता ही नहीं है? कौन आंटी ठेला वाला? मुझे लगा आप हो, मतलब आप जानते हो किसी को? वरुण तो खिला दे आंटी को बना के। सोच रहा हूँ यार। नहीं मिला आंटी? नहीं मिला? दोस्तों आंटी आवाज लगा रही है इधर से उधर कि कौन है कौन नहीं। कौन? वो तो नहीं है, उनने तो देख लिया हमें। तुझे पता है कौन है दोस्त? वही है वह भाई बंदा, वहाँ मोमोज खा रहा है दोस्तों। देखो वो रहा, वो मोमोज खा रहा है वरुण। और बंदे को ठेली की फिक्र ही नहीं है अपने। ये नहीं है यार, मुझे भी लग रहा है यार ये नहीं है दोस्तों। आंटी उसे कह रही है, वो देखो वो जो सफ़ेद में मोमोज खा रहा है वो नहीं यार वरुण है ना, वही है। ये आ गए दोस्तों अंकल बर्फ लेके। कहाँ कहाँ चले गए अंकल? अंकल तुम्हें पता है 10 मिनट से खड़े हम तुम्हारी ठेली पे। ऐसे ठेली छोड़ के मत जाना, ठेली छोड़ के मत जाया करो, कोई चुरा लेता अंकल तिल्ली विल्ली बर्फ बर्फ। दुकानदार कहाँ है अंकल, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, पता नहीं कहाँ गया संतरा पी के। वो अंकल संतरा पी के पता नहीं कहाँ चले गए। चलो अंकल बना दो दो गोले। क्या चीज़ वरुण? तो दोस्त अंकल बना रहे हैं हमारे यहाँ पे 10 वाले दो गोले, एकदम मस्त सा गोला बना दो अंकल एकदम। अंकल बर्फ धो लेते यार, गंदी हो रही है ये तो। पहले का बर्फ है, ऐसे ना करो गुरु जी यार। बर्फ गंदी का बर्फ है, गंदी बर्फ मत देना बस। क्यों वरुण भाई? और रखवाली करिए वरुण ना, 10-15 मिनट यहाँ पे धो के रखता हूँ ना। अच्छा धो के रखते हो? हाँ ये पहले का। तो दोस्तों अंकल डाल लिया ब्रश। अंकल डालते एकदम कॉम्बिनेशन सही है, ये नहीं कि लाल के पीले ऊपर डाल दिया, ग्रीन येलो। अब देखना अभी रेड वाला डालेगा दोस्तों, मतलब देखने में अच्छा लगेगा, मज़ा आ जाता है, मीठा मीठा। बट अंकल एक चीज़ में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, मसाला डालना चाहिए, काला नमक नहीं डालना चाहिए आपको इसमें ना। काला काला नमक की जगह मसाला रखो, मसाला चाट मसाला जो आता है ना तुम्हें बाद में बना देना। 3 रुपये का है, 5 रुपये। वरुण भाई क्या सीन है? चलो कोई नहीं भाई, चलो कोई नहीं दोस्तों। ऑटो वाले अंकल जल्दी में, तो अंकल ने बना दिया, हमारे दो गोले कुर्बान हो गए। तो दोस्तों पहले ले आ गया गोला, ये वरुण का। तारे जमीन पर, अब ये भाई भी लगा रहा है गोला अपने कस्टमर। अब गोला चक के बता दे कैसा है, एकदम मस्त हो रहा ना स्वाद, एक नंबर। मैं भी खाता हूँ दोस्तों, मेरा गोला तो गल जाएगा ऐसी। दिल्ली में तो ज़्यादा मज़ा आता था, अभी कंट्री का। दिल्ली में कापी थी आपकी दुकान? निर्माण विहार लक्ष्मी नगर। अच्छा लक्ष्मी नगर से आया, वहाँ दुकानदारी ज़्यादा होती थी? हाँ ज़्यादा, यहाँ नहीं होती, यहाँ बहुत कम होता है, कम हो रहा है। कच्ची है ना अभी, इतने उस हिसाब से डेवलप नहीं हुई है। और यहाँ पे गोले वाले भी तो बहुत है यार, यहाँ पे गोले वाले भी तो बहुत है, यहाँ पे हर हर दो कदम की दूरी पे गोले वाले हैं। कंपटीशन बढ़ गया ना,
चलो बढ़िया है, कोई नहीं, फिर भी सही चल जाती है आप पे। चलो बढ़िया है दोस्तों, अंकल की इसी बात से हमारा दिल खुश हो गया। एक और गोला लगा दो अंकल जी, तुम अब बढ़िया सा ठीक है। तो दोस्तों अंकल बर्फ एक नंबर, बर्फ थोड़ी ज़्यादा अंकल। दोस्तों एक और गोला बना के तैयार हो गया अंकल ने दे दिया हमें ये, और मैं अपना दूसरा गोला चटकाते हुए। तो दोस्तों दो गोले के बाद इसका मन नहीं भरा तो यहाँ पे लगवा रहा फलूदा। क्यों अंकल जी खुश हो आप? अंकल के चेहरे पे स्माइल है यार। हाँ अंकल के चेहरे पे तो स्माइल आ गई, बासमती राइस जैसी। तेरे यार वीडियो बनाते रहिए, वीडियो बनाते रहिए। ठीक है अंकल जी, तुमने बोल दिया तो हम भी वीडियो बनाएंगे आपकी। और बताओ आपको फेमस ना कर दिया हमने? दोस्तों देख लो भाई, सपोर्ट करना है। हाँ भाई इधर तो देख ले तू, गाड़ी देखेगा। हाँ भाई बिल्कुल पूरा सपोर्ट करेगा। दोस्तों जो भी यहाँ रहता हो मैं उन्हें एड्रेस बता दिया, अलाबाद बैंक वाले कट पे लगाते हैं। अंकल अंकल को फुल सपोर्ट करना, यही से खाना गोला। ये देखो दोस्तों अंकल के फालूदा, मलाई भी डालोगे अंकल? अंकल देखो पहली बात तो ये मेरे में मलाई ज़्यादा डालनी है, पहली बात तभी मैं बनवा रहा हूँ। मलाई मेरे में चाउमिन जैसा कम डालना। चाउमिन नहीं है भाई, वही तो फालूदा है असली। मुझे अच्छा नहीं लगता यार। कोई नहीं दोस्तों, अभी बनने के बाद दिखाते कैसा बनेगा हमारा फालूदा। तो दोस्तों अंकल ने गेड़ दिया यहाँ पे लाल हरा नीला पीला सारा रस। अब मलाई गिरने की बारी आ गई अंकल की। ये अंकल ने गेड़ दिया मलाई, थोड़ी सी डाल दो अंकल मलाई यार। ये मेरा है भाई, मेरा है। तैयार हो गया अंकल? हाँ तैयार। तो दोस्तों 10 रुपये में क्या चाहिए आपको, मिल तो रहा है इतनी बढ़िया चीज़ है। देखो दोस्तों तैयार होकर आ गया मेरा हाथ में। अब बेटा तेरा आ रहा है ज़्यादा मलाई वाला। दोस्तों वरुण का बन रहा है यहाँ पे, ये मेरा है कम्प्लीट हो गया है। तो दोस्तों वरुण की बारी है मलाई डालने की। ये अंकल ने भर दिया मलाई पूरी वरुण के, उसमें लवन मक्खी चिपक गई, ले खा ले तू। और डलवा ले ज़्यादा मलाई, चख ले जाओ खुश रह तू भी ज़्यादा मलाई के। पैसे दे दिए अंकल जी ठीक है। कैसा हो रहा स्वाद बता, आया पैसे ना लू। तो दोस्तों अंकल ने सारे सिक्के पकड़ा दिए। अंकल कितने सिक्के दोगे यार, मैं क्या करूँगा इतने सिक्कों का? नोट नहीं है क्या, एक भी नोट नहीं है अंकल? कम से कम 60 रुपये देना अंकल, आपने 40 रुपये सिक्के पकड़ाएंगे क्या अंकल? वरुण तू करवाएगा भाई नोट का जुगाड़। ये देखो बर्फ़ डाल देना दोस्तों, मेरा फलूदा भी पिघल गया, बर्फ़ डाली थी अंकल ऊपर मस्त, वरुण और बर्फ़ डलवा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे सामान आया था 40 रुपये का और अंकल ने 60 रुपये वापस करने थे, अंकल ने 60 रुपये काट लिए, 40 रुपये वापस कर दिए। कोई नहीं अंकल होता है, चल रहे अंकल। नहीं यार अंकल से हिसाब में गड़बड़ी हो गई। तो दोस्तों फाइनली आ चुका है गोला, फलूदा वलूदा सब खा के मुँह पूरा एकदम मीठा मीठा हो गया। वरुण भाई कैसा लगा तुझे फलूदा? फालूदा 2 नंबर का नहीं था, 1 नंबर का था बिल्कुल। गोला गोला पहला था, गोला पहले थोड़ा ऐसा कर ला थोड़ा भाई। देखो फालूदा एकदम मुझे देख लो बेकार लगा, फालूदा मैंने आयुष को दे दिया, मैंने नहीं पिया मुझे भाई। गोला एकदम जैन में लगा, पैसे वसूल एकदम बढ़िया क्वालिटी वाइज। तो दोस्तों पैसा लगा था हमारा तो फालूदा था, इसका मेरे को ही पीना पड़ा। फालूदा तो मैंने पिलाया था तो तेरे को बेकार लगा इसलिए तो पिया, मैं जैसे छीना। कोई नहीं दोस्तों अंकल को थोड़ा बनाना नहीं आया, क्या पता इसके वाले में मीठा भी कम था, वैसे मेरे वाले में मीठा थोड़ा ज़्यादा था तो स्वाद थोड़ा आ रहा होगा मुझे। बाकी कोई नहीं वरुण भाई, चलता है यार सब चलता है। 10 रुपये का ही तो फालूदा था। और मलाई कैसा लगा भाई? मलाई का स्वाद ऐसा था जैसे ब्रेड होती है ना, ब्रेड को भिगा के थोड़ा चाशनी में डुबो दिया हो, जैसे एक दूध ले लिया ठीक है, दूध भी नहीं हो थोड़ा, हाफ दूध हाफ पानी और ब्रेड में डाल के छोड़ चाशनी बना दी। वही सिस्टम कर रखा तो अब चल रहे इसके घर, पूरा मुँह मीठा मीठा हो गया, पानी पीऊँगा थोड़ा। तो दोस्तों फाइनली आ चुके वरुण के घर के अंदर, अब पानी पी रहा हूँ। सबसे पहले तो पूरा मुँह मीठा मीठा हो गया, क्यों तेरा भी? मैं तो पी के आ गया। बगल में खड़ी है वरुण भाई की हमारी बुलेट चमका रही है। वरुण भाई अपने बेड के बगल में सुलाते हैं वरुण, कह रहा है वरुण की आखिरी नींद और सुबह का पहला ख्याल है ये। क्यों सही, क्या चला रहा लैपटॉप में? कुछ नहीं यार मैं देख रहा हूँ, ऑन तो नहीं है। अच्छा चलो कोई नहीं दोस्तों, इस ब्लॉग को कर दे एंड, एंड कर दे, कर दो भाई एंड। तो दोस्तों इस ब्लॉग को करते यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या ना अच्छी लगे फिर भी आप लाइक कमेंट करना, और जो अच्छा ना लगे उसको कमेंट में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, और वो गोले वाले अंकल की हेल्प जरूर करना, भले ही उनने आज फलूदा अच्छा नहीं बनाया था लेकिन फिर भी कोई नहीं, बट उन्होंने दिल से खिलाया था कोई नहीं। हाँ अच्छा चल डालता, हमने रस्मी मांगा उनसे वापस 5 रुपये में, कोई डालता नहीं यार भाई ऐसे। सही बोल रहा। हाँ क्योंकि उन्हें क्या बचेगा यार दोस्तों, 5 रुपये में गिलास दे रहे हैं, डंडी वो इतनी महंगी आती है जो उन्होंने लगाई थी, बर्फ़ घिस रहे हैं
तो दोस्तों उन्होंने इतनी मेहनत करी, हमने भी उनका भाई लगा ली खरी दुकान की। दोस्तों इस ब्लॉग को करते हैं एंड, अगर आपको वो गोले वाले अंकल कहीं पे भी दिखे तो जरूर उनसे बोला खाना। मिलता है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए।